अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय अपने एक दिवसीय प्रवास पर महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की जानकारियां ली। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर राज्य की जनता को लाभ पहुँचा है, उसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। इस बार भी जनता अपना आशीर्वाद देकर प्रदेश में काबिज करेगी। आज जिस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में माहौल है, भाजपा जिस तरह से लगातार हार के डर से प्रदेश की जनता को धमकाने का काम कर रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण कल देखने को मिला जब देश के गृह मंत्री जी आए थे और जिस तरह उन्होंने ईडी सीबीआई का डर दिखाने का काम किया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। चुनाव आयोग को जरूर इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कुछ वैसे मुद्दों को उठाने का काम किया गया जो कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है, हमारी पार्टी ने उस पर भी कहीं न कहीं चुनाव आयोग को प्रयास किया है उस पर चर्चा करने का और चुनाव आयोग को अपील किया है कि वो उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करे। भाजपा पूरे देश में जब भी चुनाव आता है तो डर, भय और नफरत का माहौल पैदा करने का काम करती है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आइए जन मुद्दों पर बात कीजिए। आपने जो वादे किए थे केंद्र स्तर पर, देश के स्तर पर महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे, वो वादा था आपका, क्या हुआ वो वादा? आपने कहा था पेट्रोल 100 के आज पार है, आपने कहा था पेट्रोल जो है 35 और 40 रुपए में मिलेगा, आज क्या हुआ? पेट्रोल डीजल क्यों 100 के पार हो गया है? क्यों खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल इतना ऊंचा है, आसमान छू रहा है? और कहीं ना कहीं इस माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी से आपने जनता का क्यों तेल करने का काम किया है? ये इसका उत्तर दीजिए। चुनाव में लोग, छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछ रही है कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ी, बेरोजगारी देश में इतनी क्यों है, उसका असर प्रदेश पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। क्यों रेल का जो है आपने तेल कर दिया है, आज सारी रेलगाड़ियां जो है रद्द पड़ी हुई है, प्रदेश की जनता कैसे आवागमन करे? यातायात का जो एक प्रमुख साधन है, आपने तो कहा था रेलगाड़ियां जो है अच्छी होंगी, यहां अपने मित्रों के माल की ढुलाई चल रही है और रेल सामान्य जनमानस रेल में नहीं चढ़ सकता। कहा था अपने हवाई चप्पल पाले जो है हवाई जहाज में चढ़ेंगे, रेल में भी चलना जो है आपने दुरुस्त कर दिया है। हमने जो जन कल्याणकारी काम किए हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, काम और सेवा ही हमारा ब्रह्मास्त्र है। हम इन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो 5 साल में न्याय किया है विभिन्न वर्गों के साथ, किसान न्याय योजना के तहत किसानों को जो प्रत्यक्ष तौर पे लाभ हुआ है, उनके उपज का जो लाभ फायदा दिया जा सकता था वो हमने दिया, इनपुट सब्सिडी जो है या जो मूल्य हमने दिए हैं धान का या जो कर्ज माफी की है, ये हमारा मुद्दा है। हम आने वाले समय में भी किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ न्याय करेंगे। हमने बिजली बिल हाफ करने का जो वादा किया उस वादा को निभाया और लगभग 42 लाख परिवार जो है बिजली बिल जो है उनका कम होने से उनको लाभ मिला है। जिस तरह से आवास न्याय योजना के माध्यम से जो आवासहीन लोग हैं उनके लिए सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, जबकि केंद्रीय स्तर पर जो पीएम आवास योजना था वो दुर्भावना का शिकार हुआ, कहीं न कहीं हमने आम जनमानस के साथ न्याय करने का काम किया। शिक्षा के मामले में अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन पूरे देश में है। स्वामी आत्मानंद स्कूल सबने देखा है कैसे उसकी क्या प्रगति है और वो कैसे पूरे भारत में चर्चा का केंद्र है। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा है। स्वास्थ्य सहायता कैसे लोगों को मिल रही है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, इनसे कितने लोगों को लाभ हुआ है। जो पट्टा देने की बात है जल जंगल जमीन आदिवासियों के लिए, उसमें हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है। आदिवासी संस्कृति और पहचान जो है छत्तीसगढ़ की सरकार के कारण आज वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान बनी है। इन सारे विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर हमने काम किया और इन्हीं के माध्यम से आने वाले समय में हम जनता के दरबार में, जनता के द्वार जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद की हमें पूरा भरोसा है और अब की बार 75 पार का जो हमारा नारा है जन आशीर्वाद से, हमारे कामों के आधार पर हमें वो
आशीर्वाद मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है।